हेलो फ्रेंड, आज एक सेट लेकर उपस्थित हैं आप लोग भी जो आगामी परीक्षा में आने का पूर्ण गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या लगती थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या लगती थी। तो वो लगती थी पुत्री, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। तो वो था यंग इंडिया, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया। ये मात्र आप लोग को सुनने मात्र से याद हो जाएगा और परीक्षा में आपका VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने का पूर्ण गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे, देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे। दो थे चित्तरंजन दास, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास विख्यात थे। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन गाइडेड मिसाइलों के निर्माण से संबंधित है। तो वो है भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड। भारत के वयोवृद्ध पुरुष ग्लेन ओल्डमैन के रूप में कौन विख्यात हैं, भारत के वयोवृद्ध पुरुष ग्लेन ओल्डमैन के नाम से कौन विख्यात हैं। तो वो हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो ये देखिए, ये एक लैगून झील है और उड़ीसा में ये स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। तो ये है जनरल, जनरल का पद जो है भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो है त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम। अगला क्वेश्चन है कि केरल के प्रसिद्ध नृत्य क्या है, केरल के प्रसिद्ध नृत्य क्या है। देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कथकली, कथकली जो है केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। वहीं पर कुचिपुड़ी अगर पूछे तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला क्वेश्चन जो है सागर सम्राट भारत के पहले क्या नाम था, सागर सम्राट भारत के पहले क्या नाम था। तो वो था ऑप्शन सी मोबाइल फोर शेयर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। सागर सम्राट भारत के पहले का नाम जो था मोबाइल ऑफ शेयर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है, मूंगफली किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। तो वो है गुजरात में, गुजरात में मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और किस राज्य में जस्ता का प्रचुर परिणाम पाया जाता है, जस्ता का प्रचुर मात्रा में जस्ता पाया जाता है किस राज्य में। वो है राजस्थान के खेतड़ी में, राजस्थान की खेतड़ी में जस्ता प्रमुख रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद किसे संदर्भित किया जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है। तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में संदर्भित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा एक है, राज्यसभा एक है। तो इसका सही जवाब होगा स्थाई निकाय, राज्यसभा जो है एक स्थाई निकाय है। अगला जो क्वेश्चन है कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है, कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है। इसका सही जवाब होगा सिंगापुर, सिंगापुर सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
रेड क्रॉस जिनेवा में स्थित है। निम्न दाब का केंद्र है, निम्न दाब का केंद्र है वो है साइक्लोन, निम्न दाब का केंद्र साइक्लोन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानसून हवाएं हैं, मानसून हवाएं हैं तो हैं स्थानीय हवाएं, स्थानीय पवन। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्बानिया की राजधानी कौन सी है, अल्बानिया की राजधानी कौन सी है तो है तिराना, अल्बानिया की राजधानी तिराना में है। आगे क्वेश्चन है, म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है, म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है तो इसका सही जवाब होगा सुदूर पूर्व धान का कटोरा, सुदूर पूर्व धान का कटोरा के रूप में। अगला को जो क्वेश्चन है, जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर कौन से प्रसिद्ध खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा संगमरमर। तो जयपुर से ही संगमरमर से ताजमहल निर्माण हुआ था। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है तो वो है महानदी। हीरा महान होता है, हीरा महान होता है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग हमेशा पूछता है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है तो वो है महानदी। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेपचा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा लेपचा जनजाति पाए जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा सिक्किम में, लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, साबरमती निम्नलिखित किस शहर के किनारे बहती है, साबरमती किस शहर के किनारे बहती है तो वो है अहमदाबाद। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है तो वो होगा मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में बहता है। और शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं, शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं तो वो हैं लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। रूसी क्रांति के जनक कौन थे, रूसी क्रांति के जनक कौन थे तो वो थे बी आई लेलिन, लेलिन जो थे रूसी क्रांति के जनक थे। सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध थे, सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध थे तो वो थे पेंटर, सतीश गुजराल जो थे एक पेंटर थे। आगे जो क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव है तो वो है नील आर्म स्ट्रोंग। इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो एक माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है तो ये लगता है बिहार के सोनपुर में, बिहार के सोनपुर में। जातक पवित्र ग्रंथ है तो है बौद्धों का, जातक पवित्र ग्रंथ बौद्धों का है। अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं तो होगा घूर्णन, घूर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल आयु वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है, वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है तो वो होती है 21%। निम्नांकित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है, निम्नांकित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है तो इसका सही जवाब होगा नेवला, नेवला इस प्रश्न का सही
जवाब होगा। आगे जो क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रपति अपना पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्याग पत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करेगा, तो देखिए इसका सही जवाब होगा भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है तो है थाईलैंड को, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। आगे जो क्वेश्चन है स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ शीर्षक के किसने लिखी थी, तो वो लिखित हैं महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है, किस देश में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती है तो है अपना देश भारत में, अपना देश भारत में सबसे अधिक बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, मणिपुर और दमन और दीव, तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मणिपुर, मणिपुर जो है वो संघ शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था तो था इस्लाम से, सूफी संप्रदाय का उद्भव जो हुआ वो इस्लाम धर्म से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खासी गारो जयंतिया मुख्य रूप से कहाँ रहती है, खासी और गारो और जयंतिया जनजाति कहाँ रहती हैं, तो इसका सही जवाब होगा मेघालय में। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं तो है काजीरंगा अभयारण्य में, काजीरंगा जो असम राज्य में है वहाँ पर भारतीय गेंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहलाता है, कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहलाता है, इसका सही जवाब होगा फिनलैंड देश में, फिनलैंड देश में हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहावा सोवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है, नहावा सोवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है, तीसरा सही जवाब होगा मुंबई में, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का त्यौहार है, बिहू किस राज्य का त्यौहार, देखिए कोई भी एग्जाम उठा कर देख लीजिए बिहू जरूर पूछता है, इसका सही जवाब होगा असम में, बिहू असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है तो है नेपाल के, नेपाल के जो झंडा है दोहरे त्रिभुज के रूप में है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है तो है सिंध प्रांत में, सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो स्थित है। आगे जो क्वेश्चन है लंदन किस नदी किनारे अवस्थित है, लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका सही जवाब होगा टेम्स नदी, लंदन टेम्स नदी। और इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है मिन लियो मेस है, मिन लियो मेस है, तो इसका जो सही जवाब होगा ये सभी राशियां हैं, ये सभी राशियां हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, सभी लोगों को तैयारी अच्छी से होनी चाहिए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।